अरे अरे हेलो, कोई केला लेने वाला है? रुक जाना यार, कहीं सही ले पड़े यार, उनसर का देख वही देख ले ले। अरे रुक जा भाई, अरे कहीं से आते हैं भाई, करने वाला है। अरे यार जंतर नहीं कैसे करते, दोस्तों नमस्कार, मैं दुर्गा साहू और आप सभी का स्वागत है एक और खूबसूरत से वीडियो में। तो अभी अपन पे पहुंच गए हैं, बहुत ही खूबसूरत सा वाटरफॉल है और इस जगह का नाम है घोघरा। गांव में अगर आप किसी से भी पूछेंगे कि घोघरा धार जाना है तो वो आपको इजीली बता पाएगा। और आप लोगों को खेतौली घाट जो रोड है शहडोल से खेतौली घाट की ओर जैसे अपन आते हैं, आप में से बहुत सारे लोग खेतौली घाट आए होंगे, तो खेतौली घाट आते समय खेतौली घाट पहुँचने के लगभग 1.5 किलोमीटर पहले एक तिराहा पड़ता है, राइट साइड में चौकी है, चौकी के बगल से ही जो राइट साइड का जो मेन रास्ता है नदना की ओर जाता है उसी रास्ते से आपको आ जाना है लगभग 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर आने के बाद आप किसी लोकल व्यक्ति से पूछेंगे घोघरा जाना है तो आपको पगडंडी रास्ता बता देगा और उस पगडंडी रास्ते से होते हुए आप बहुत ही आसानी से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत दृश्य होने वाला है, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो में मजा आए तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, कुछ नहीं लगता है, साथ में बगल में जो घंटी है उसे भी ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलता रहे। तो अभी जो है बहुत ही खतरनाक सा यहाँ पे खाई है, बहुत नीचे भी जाना है आप देख रहे होंगे, और इसके बाद जो है वो व्यू पॉइंट जो है वहाँ पे आप पहुँचेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। और आज काफी सारे लोग आए हैं अपन, क्योंकि जगह भी थोड़ा खतरनाक सा है। हाय 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 हाय, जबरदस्त ले तो अब हम अपने लोकेशन पे पहुंच गए हैं और आप लोगों को जो है खूबसूरत सा व्यू पॉइंट दिखाने वाले हैं, और वो भी पास में ही, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप शहडोल से लगभग 12 या 15 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे और आपको ये खूबसूरत नज़ारा देखने को बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। ये अभी यहाँ पे केकड़ा मिल गया है, ये लोग केकड़ा पकड़ रहे हैं, केकड़ा देखना, केकड़ा पकड़ने का तरीका, ये पकड़ लिया और ये हमको दिखाएगा अभी। अरे ये इधर ये देखो, और सबसे मजेदार बात ये है, मतलब ये बहुत अच्छा जगह है पिकनिक के लिए, बहुत ही शांत वातावरण है और बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, मेन रोड से आप बहुत ही आसानी से आ सकते हैं। केवल आपको इतना पूछना है किसी भी लोकल व्यक्ति से कि घोघरा जाना है, घोघरा धार, तो घोघरा धार के नाम से इसे जाना जाता है। और यहाँ बहुत सारे
ये कोयले भी निकाले गए हैं, तो यहाँ पे ये जो बन गई है कुछ स्ट्रक्चर बन गया है जो ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे बहुत ही आसानी से आपको लकड़ी मिल जाएगा खाना बनाने के लिए। अरे स्लिप तो नहीं कर रहा है बॉस? ये जो सामने आपको दिख रहा है ये बहुत अंदर तक गया है, देखते हैं अगर संभव हो पाएगा तो इसके अंदर भी चलने का कोशिश करेंगे। यार पिकनिक के लिए बहुत ही सुपर जगह है, और अभी हम लोग यहाँ पे आधे घंटे से बैठे हैं और जाने का मन बिल्कुल हो नहीं रहा है। देख सकते हैं सब लोग यहाँ धुनी रमा के बैठ गए हैं, कोई जाने के लिए रेडी नहीं है, सबका मन यही है कि अभी यहीं बैठते हैं। तो अगर आप लोगों को ये मनोरम दृश्य देखना है और पिकनिक के लिए अगर आ सकते हैं तो बेस्ट एंड बेस्ट जगह है। थोड़ा सा सावधानी बस इतना सा रखना है कि फिसलन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, तो आपको बहुत ही सावधानी से पैर रख के और आगे बढ़ना है। बाकी दृश्य बहुत ही खूबसूरत है, लाजवाब है, तो आप लोग यहाँ पे एक बार ज़रूर आइए। बहुत ही आसानी से पहुँच सकते हैं, बाइक भी हमारी यहाँ तक आ जाती है। तो आप लोगों को ये जगह कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मज़ा आया तो एक लाइक ज़रूर बनता है। और अभी अपन चढ़ाई करके आ गए हैं ऊपर, और ऊपर से अभी जो नीचे से आपको दिखा रहा था मैं गुफा, वो एक गुफा है। तो अभी अपन कोशिश करेंगे उसके अंदर जाने के लिए, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आप लोगों को वो नज़ारा देखने को मिलेगा। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ये देखो आप नज़ारा, लेकिन अभी ये पैक हो गया है मेरे ख्याल से, था काफी अंदर तक।
तो इसके अंदर अभी आए हैं, ये गुफा है, काफी अंदर था, लगभग ये 500 मीटर से भी आगे था, लेकिन अभी जो है ये बंद हो गया है, गिर गया है अंदर का जो भी कोयला पत्थर जो भी रहा होगा वो गिर गया है। तो लेकिन हल्का सा जगह है, अंदर जा सकते हैं पर जाएंगे नहीं, क्योंकि खतरा भी हो सकता है कुछ अंदर हो, जीव जंतु कोई जानवर हो, तो रिस्क ज़्यादा लेना उचित नहीं है। लेकिन यहाँ से आपको झरने का व्यू जो है काफ़ी खूबसूरत मिलने वाला है। तो यहाँ आप, ये गुफा है और गुफे से ठीक बाहर जो है वो आपको झरना देखने को मिलेगा। ये देखिए, सारे दर्शक लोग बैठे हैं यहाँ पे, और ये जगह थोड़ा सा खतरनाक भी था, इसलिए अपन 6 लोग आए हैं आज, इसलिए अकेले नहीं आना है, 2-4 लोग मिलके ही आना है, क्योंकि कुछ कह नहीं सकते कब कोई जानवर रहे यहाँ ना रहे, हालांकि अभी तो नहीं है, और व्यू काफी खूबसूरत है, पिकनिक के लिए काफी खूबसूरत प्लेस है। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्लेस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।